हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू बायजूस एग्जाम प्रेप एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अ शॉर्ट वीडियो। सो एक ऐसा एरिया जहां से मोस्टली यूजीसी नेट एग्जामिनेशन एंड बहुत सारी अदर एग्जामिनेशन से क्वेश्चंस आते हैं इज पॉटरी कल्चर ऑफ एंशिएंट इंडिया। सो प्राचीन इतिहास में पॉटरी कल्चर कैसा था, ये एक ऐसा डायमेंशन है जहां से यू कैन गेट थ्योरी क्वेश्चंस, असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस या मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन। एंड यूजुअली ये एक ऐसा एरिया होता है जहां पे एस्पिरेंट्स उतनी डिटेल तरीके से पढ़ के नहीं जाते। तो आज ऐसे ही एक पॉटरी कल्चर को आज की शॉर्ट वीडियो में हम डिटेल में पढ़ेंगे, विच इज पेंटेड ग्रेवेयर पीजीडब्ल्यू। सो फॉर एग्जामिनेशन यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि आपको बेसिक्स पता रहे अबाउट पीजीडब्ल्यू, इनकी क्या खासियत है, व्हाट आर द एक्सेप्शंस, जो कलर आता है वो कैसे आता है, जो कलर अगर चेंजेस दिखते हैं तो वो कहां से आते हैं, पॉटरी जनरली बनती कैसी है, कैसे लोग इसको जनरली यूज कर रहे थे। सो दीज आर सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसके आंसर्स आपको जनरली पता होने चाहिए फॉर एनी क्वेश्चन बेस्ड इन द नेट एग्जामिनेशन। तो चलिए आज के सेशन में फटाफट से पीजीडब्ल्यू को निपटाते हैं। बट बिफोर वी स्टार्ट, प्लीज मेक श्योर कि आप यूजीसी नेट चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एट द सेम टाइम वी हैव अ टेलीग्राम ग्रुप यूजीसी नेट हिस्ट्री शुभांगिनी अश्विनी, तुम्हारे टेलीग्राम ग्रुप का जरूर पार्ट बनिए। उसके अलावा हमारे पास फ्री क्लासेस है ऑफ हिस्ट्री ऑफ ऑल द एस्पिरेंट्स। सो मोस्टली हमारे जो ऐप सेशन है ये 11 बजे होते हैं, यूट्यूब सेशन 3 बजे होते हैं। सो प्लीज मेक श्योर यू डू नॉट मिस एनी ऑफ दीज सेशन। एंड आजकल एग्जामिनेशन के पहले वी आर फोकसिंग मोर ऑन क्वेश्चन, सो अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है सो प्लीज मेक श्योर यू अटेंड आवर सेशन। तो सबसे पहले पीजीडब्ल्यू की जब हम बात करते हैं, सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू सी हियर इज जो पेंटेड ग्रेवेयर होते हैं, पीजीडब्ल्यू पॉटरी होते हैं, ये काफी ज्यादा फाइन, आप देखोगे बहुत ही ज्यादा महीन, बहुत ही ज्यादा स्मूथ, चिकने एंड काफी इवन कलर्ड के होते हैं, यूनिफॉर्म कलर्ड के होते हैं स्पेसिफिकली। ये है आयरन एज जो हमारे इंडियन कल्चर का था, जो स्पेसिफिकली हमारा गैंजेटिक वैली जो है और हमारा जो घाघर हाकरा वैली है, ये जो एरिया है स्पेसिफिकली 1200 to 600 BC वाला जो टाइम पीरियड है, वी फाइंड दिस देयर। मोस्टली आप देखोगे इसका कलर क्या है, तो जब आप पीजीडब्ल्यू देखते हो स्पेशली यहाँ पे लिखा हुआ है पेंटेड ग्रे वेयर, तो इसके शेड्स बहुत ही ज्यादा डिफर करते हैं, फ्रॉम सॉफ्ट सिल्वर ग्रे टू बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रे के शेड्स आपको यहाँ पे स्पेसिफिकली मिलेंगे। ये जो पॉटरी है ये स्पेसिफिकली बनी है बहुत ही ज्यादा हाई क्वालिटी क्ले से। मोस्टली आप इस पॉटरी में जो डिजाइन देखोगे, ये आप देखोगे बहुत ही सिंपल ज्योमेट्रिक डिजाइन है जो कि मोस्टली ब्लैक कलर में आप देखोगे इस पॉटरी में स्पेसिफिकली पेंटेड है। क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो यूनिफॉर्म कलर है, ये जो टेक्सचर है, ये जो यूनिफॉर्मिटी है, ये कहाँ से आती है? तो ये रिजल्ट है एक तरीके का सोफेस्टिकेटेड फायरिंग टेक्निक जो स्पेशली आपको एंशियंट इंडिया में देखने को मिलता है, और ये यूनिफॉर्मिटी इस हाई टेम्परेचर का भी रिजल्ट है जो बेसिकली ये हमेशा मेंटेन करके रखते थे। यूजुअली कहा जाता है ये जो पॉट्स हैं ये ग्रे टर्न हो जाते हैं एक बार जब इनको फायर की जाती है, जैसे इनको फायर की जाती है क्योंकि ब्लैक फेरस ऑक्साइड क्ले में पहले से मौजूद रहता है, इसके वजह से फायरिंग के बाद स्पेसिफिकली आप देखोगे ये पॉटरी ग्रे कलर में स्पेसिफिकली टर्न हो जाती है, विच यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। ये कुछ हमारे एग्जाम्पल्स है पेंटेड ग्रेवेयर पॉटरी के, तो आप अगर देख सकते हो तो ये अलग अलग टाइप की पॉटरी, एंड यू कैन सी द ज्योमेट्रिकल डिजाइन एंड ज्योमेट्रिकल पैटर्न जो जनरली ब्लैक कलर में आपको स्पेसिफिकली ये पॉटरीज में देखने को मिलेगा। अगर आप एक और चीज मोस्टली देखोगे तो कुछ ऐसे डिजाइन एंड पैटर्न हैं जो बहुत ही ज्यादा कॉमन है इस पॉटरी में, एंड कुछ ऐसे डिजाइन एंड पैटर्न हैं जो आपको इस पॉटरी में बहुत ही कम, बहुत ही रेयरली आप मिलेंगे ही नहीं। सो लेट अस रीड देम मोर। नाउ क्वेश्चन कम्स कि पॉटरी बनती कैसे है, तो यूजुअली कहा जाता है ये जो पॉट्स हैं ये दो बार मूविंग व्हील में फेंके जाते हैं, सबसे पहली बार फास्ट मूविंग व्हील में रखे जाते हैं जिसकी वजह से इनको बहुत ही जो थिकनेस है, जो मोटाई है, ये स्पेसिफिकली मिलता है। एक बार जब ये हार्ड हो गए, जब ये थिक हो गए, उसके बाद सेकेंड टाइम इनको हमारे मूविंग व्हील में रखा जाता है। उसके बाद इसको चिकना करने के लिए, स्मूथ करने के लिए, और साइड साइड से जो भी मान लीजिए जो ट्रिमिंग होती है, ये ट्रिम होते हैं, इनको स्मूथ किया जाता है स्क्रेपर की मदद से। इसके अलावा आप देखोगे प्रॉपर इनको जो मैट फिनिश है ये स्पेसिफिकली दी जाती है, एंड दिस इज हाउ यू कैन सी द पॉटरीज ऑन योर स्क्रीन जो कि बहुत ही ज्यादा स्मूथ सर्फेस के हैं। एट द सेम टाइम यू कैन ऑल्सो सी जो मैट फिनिश स्पेशली आपको इन पॉटरीज में देखने को मिलेगा। यूजुअली आप देखोगे कुछ पीजीडब्ल्यू शेड्स जो है ये आपको रेडिश कलर में भी मिलेंगे, वो रेडिश कलर सिर्फ इसलिए होता है बिकॉज That reddish core is only because of mostly अगर आप कोई local clay use कर रहे हैं तो it's because of some different kind of local clay. Apart from that, जब हम detailed discussion करते हैं कि PGW pots में क्या designs होते थे, तो मोस्टली आप देखोगे सिंपल ज्योमेट्रिक डिजाइन होते हैं, या तो मोस्टली ब्लैक या डीप चॉकलेट ब्राउन कलर में। अपार्ट फ्रॉम दैट आप देखोगे यहाँ पे डॉट हो गया, डैश हो गया, सर्कल हो गया, स्पाइरल हो गया, कॉन्सेंट्रिक सर्कल हो गए, चेक हो गई, स्वास्तिक हो गई, ये सारे डिजाइन मोस्ट कॉमनली आपको यहाँ पे मिलेंगे। इसके अलावा
जो नेचुरल डिजाइन है, जैसे मान लो फ्लावर का पैटर्न हो गया, सूर्य सन का पैटर्न हो गया, ये बहुत ही ज्यादा लेस कॉमन है, ये आपको बहुत कम देखने को मिलेगा इस पॉटरी में। इन साइट सच एज राजस्थान आपको इन पॉटरी में स्पेसिफिकली स्टैम्प टाइप ऑफ डिजाइन स्पेसिफिकली मिलेंगे। उसके अलावा ये कहा जाता है जो PGW है, इनमें आप देखोगे कंपेरेटिवली बहुत ही कम शेप है, जैसे ओपन माउथ का बोल हो गया, डिशेज हो गए, ये तो आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे। लेकिन लोटा और कुछ मिनिएचर पॉट, छोटे छोटे साइज के जो पॉट्स है, ये आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट थिंग्स विच यू हैव टू रिमेंबर। अब तो फाइनली PGW को यूज कौन करता था, तो यूजुअली ये कहा जाता है जो PGW को काफी डीलक्स टेबल वेयर था, एंड मोस्टली जो वेल टू डू पीपल हैं, जो वेल्दी पीपल हैं, जो शाही लोग थे, कहा जाता था ये मोस्टली इन पॉटरीज को ज्यादा यूज करते थे। एंड तभी आप देखोगे कंपेयर टू टोटल पॉटरी असेंबलेजेस, PGW बहुत ही स्मॉल परसेंटेज, 3-10% ही है जो स्पेसिफिकली हमें मिली है अलॉन्ग विथ अदर पॉटरीज। एंड मोस्टली पीपल जो है इसको स्पेसिफिकली आप देखोगे मोस्टली कुकिंग, एवरीडे यूज एंड ऑल्सो फूड स्टोरेज की तरह भी यूज कर सकते थे। ओके, सो आई होप वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली दैट नाउ यू हैव लिटिल बिट आइडिया अबाउट PGW पॉटरी। तो अगर यहाँ से कोई भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, यू विल बी एबल टू डू ऑल ऑफ देम रियली रियली करेक्टली। तो एक बेस जो है वो आपका एस्टैब्लिश हो गया। तो इन अदर शॉर्ट वीडियोज हम बाकी इंपॉर्टेंट पॉटरीज को भी कवर करेंगे, सो दैट अगर ऐसे कोई क्वेश्चंस आते हैं, यू डू नॉट मिस एनी ऑफ देम। सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द सेशन एवरीवन, एंड फटाफट से PGW को रिवाइज कर लीजिएगा। एंड फॉर मेनी शॉर्ट वीडियोस, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू बायजूस एग्जाम प्रेप का UGC नेट चैनल। ओके, सो कीप रिवाइजिंग एंड फटाफट से प्लीज मेक श्योर दैट आप कॉन्स्टेंटली री रिविजन कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारी हिस्ट्री के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, ऑल द वेरी बेस्ट।